हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल ओएमके क्रिएशन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डायजीविल प्रिंटर के बारे में। तो आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू जान पाएंगे कि डायजीविल और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है और दोनों के यूजेस क्या हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक करके दोनों प्रिंटर्स के बारे में। पहला हम लोगों का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इन द मार्केट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी कि मार्केट में सबसे लोकप्रिय प्रिंटरों में से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी है। दिस प्रिंटर आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर इजी ऑफ प्रिंटिंग एंड इकोनॉमिकल प्राइस। यानी कि इन प्रिंटरों की लोकप्रियता इसलिए है, ये कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसे आसानी से प्रिंट कर देते हैं और एक इकोनॉमिकल प्राइस पे ये मिल भी जाता है, यानी कि कम पैसों में ये प्रिंटर हम लोग खरीद सकते हैं। ईच कैरेक्टर प्रिंटेड इज इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ डॉट्स एंड हेड, यानी कि ये कैरेक्टरों को प्रिंट करने के लिए दो पैटर्न यूज करते हैं, पहला है डॉट और दूसरा है हेड। कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ पिंस ऑफ साइज 5x7, 7x9, 9x7 और 9x9, यानी कि जिसमें कैरेक्टरों के आकार के पिन लगे होते हैं। पिन जो होते हैं वो एक मैट्रिक्स में लगे होते हैं और वो मैट्रिक्स के जो साइज होते हैं वो है 5x7, 7x9 और 9x7 और 9x9। ये जो मैट्रिक्स हैं उसके साइजेस हैं और ये पिन जो होते हैं इस प्रिंटर में लगे होते हैं, जिसमें कैरेक्टर क्या होते हैं कि जस्ट लाइक कैरेक्टरों के आकार के ये होते हैं। और ये पिन क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट पे कोई भी लेटर को लिखते हैं। जस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लेटर कैसे ये प्रिंटर प्रिंट करता है। और ये इनके साइजेस हैं इन पिनों के, जो आप देख पा रहे हो इसी साइज के ये पिन होते हैं जो डॉट मैट्रिक्स के पिन के नाम से जाने जाते हैं। विच कम आउट टू फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, यानी कि जो एक कैरेक्टर को बनाने के लिए निकलते हैं, जो ये पिन है वो एक कैरेक्टर को बनाने के लिए यानी कि लिखने के लिए निकलते हैं। विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यही कारण है या यही वजह है जिसे हम लोग इसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ डिफिनीशंस को। इन द मार्केट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी मार्केट में लोकप्रिय प्रिंटरों में से एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी है। दिस प्रिंटर आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर इजी ऑफ प्रिंटिंग एंड इकोनॉमिकल प्राइस, यानी कि यह मार्केट में इसलिए पॉपुलर है कि यह आसानी से कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर देता है और यह इकोनॉमिकल प्राइस पे मिल भी जाता है। ईच कैरेक्टर्स प्रिंट इज इन द फॉर्म्स ऑफ पैटर्न ऑफ डॉट्स एंड हेड्स, यानी कि यह कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी कैरेक्टरों को प्रिंट करने के लिए डॉट्स और हेड पैटर्न का यूज करते हैं। कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ पिन ऑफ साइज, यानी कि ये कैरेक्टरों को प्रिंट करने के लिए एक डॉट जो पैटर्न और हेड पैटर्न होता है उसका उपयोग करते हैं, मैंने बताया है। इसमें कैरेक्टरों के आकार के पिन भी लगे होते हैं जो इनके साइजेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। विच कम आउट टू फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, यानी कि जो कैरेक्टर को बनाने के लिए निकलते हैं। विच इज वाई इज कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यही कारण है कि इसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक मैंने फिगर लगाया हुआ है जिससे आप देख पा रहे हो, इसी फिगर जैसा ही होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और जो प्रिंटेड टेक्स्ट होते हैं जो ऐसे होते हैं, एक डॉट डॉट के रूप में होते हैं जो प्रिंटेड टेक्स्ट होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के कुछ एडवांटेजेस हैं, यानी कि कुछ गुण हैं जो एक्सपेंसिव, यानी एक्सपेंसिव मतलब होता है कि कम खर्च में हम लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं यानी खरीद सकते हैं। वाइडली यूजेस, इसका हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। अदर लैंग्वेज कैरेक्टर कैन बी प्रिंटेड, यानी कि यह दूसरी भाषाओं को भी प्रिंट कर सकता है। और इसका एक डिसएडवांटेज है जो यहाँ पे मैंने लिखा है, स्लो स्पीड, यानी यह धीरे धीरे मतलब बहुत धीरे धीरे वर्क करता है।
यानी कोई भी कैरेक्टर को प्रिंट करना होता है तो बहुत धीरे धीरे करके एक एक कैरेक्टर को आसानी से प्रिंट करता है, एक एक डॉट की सहायता से। पुअर क्वालिटी, आप क्वालिटी देख ही सकते हो कि कैसी क्वालिटी है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। तब हम लोगों का अगला जो डिफिनीशन है वो है क्या, आप बताइए, डेजिबल प्रिंटर है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि डेजिबल प्रिंटर क्या है। डेजिबल हेड इज लाइंग ऑन ए व्हील एंड पिन रेस्पॉन्डिंग टू कैरेक्टर आर द लाइक पेटल्स ऑफ डेजी फ्लावर्स। यानी कि डेजिबल प्रिंटर जो होता है उसका हेड एक व्हील पर खड़ा होता है जिसमें कैरेक्टरों के अनुरूप पिन लगे होते हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग टू कैरेक्टर आर लाइक पेटल्स, यानी कि क्या लगे होते हैं, तो पिन लगे होते हैं ऑफ डेजी फ्लावर्स, यानी कि जैसे डेजी फ्लावर के पंखुड़ियाँ होती हैं वैसे ही इसमें पिन लगे होते हैं। विच इज वाई इट इज कॉल्ड डेजिबल प्रिंटर, यही कारण है कि इसे डेजिबल प्रिंटर कहते हैं। तो क्यों कहते हैं हम लोग डेजिबल प्रिंटर, क्योंकि इस जो डेजिबल प्रिंटर जो होता है इसमें डेजी फ्लावर के जैसे पंखुड़ियाँ लगी होती है, यानी कि पिन लगे होते हैं, इसी कारण से हम लोग इसे डेजिबल प्रिंटर कहते हैं। वो पंखुड़ियाँ ऐसी होती हैं जिस पर एक एक पंखुड़ी निकली होती हैं और एक एक पंखुड़ियों पे एक एक कैरेक्टर होता है, जिस जो जब प्रिंटिंग करता है तो इसी की सहायता से ये एक एक कैरेक्टर को पेज पे छापते जाता है। दिस प्रिंटर आर जनरली यूज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग इन ऑफिस, यानी कि इसका इस प्रिंटर का जनरली यानी कि साधारणतः उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है ऑफिसों में। वर्ड प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, तो जिसमें अच्छे ढंग से हम लोग वर्ड को टाइप कर सकें और उसमें कई हम लोग फंट को चेंज कर सकें, ज़्यादा स्टाइल कर सकें, इसी को कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि वर्ड पे कार्य करने की पद्धति को ही हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं जो ऑफिसों में होता है यानी कि कार्यालयों में। दैट रिक्वायर ए फ्यू लेटर टू बी सेंट हियर एंड देयर विथ वेरी नाइस क्वालिटी, यानी कि जिससे हम लोग किसी व्यक्ति के पास अच्छी गुणवत्ता वाले यानी कि अच्छी क्वालिटी के हम लोग पेज भेज सकते हैं। तो डेजिबल प्रिंटर आप जान पाएँ, मैं इसे एक बार और से एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेजिबल प्रिंटर जो होता है वो जो उसका पिन होता है वो एक डेजी फ्लावर के जैसे होता है और उसी जो पिन पे कैरेक्टर छपे होते हैं, और जब प्रिंटर प्रिंट करता है तो इन्हीं पंखुड़ियों का यूज करता है। यह प्रिंटर का यूज़ ऑफिस में जनरली होता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए और इससे हम लोग लेटर को टाइप करके किसी अच्छी गुणवत्ता वाले जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसे हम लोग कहीं भेज सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी के पास पत्र लिखना है तो हम लोग पत्र लिख के डेजिबल प्रिंटर की सहायता से भेज सकते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी जो होती है वो अच्छी होती है। जो इसके एडवांटेज है डेजिबल के मैं वो आपको बता रहा हूँ। मोर रियलाइबल देन DMP, DMP का फुल नेम होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी कि जो इसका पहला एडवांटेज है यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से विश्वसनीय होता है। क्यों विश्वसनीय होता है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर हैं वो अच्छे ढंग से दिखेंगे जब प्रिंट होंगे तो, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो डॉट डॉट करके लिखता है कई बार क्या होता है कि हम लोग उसके कैरेक्टर्स को समझ ही नहीं पाते कि क्या लिखा गया है। दूसरा इसका एडवांटेज है ये बेटर क्वालिटी, यानी कि अच्छी क्वालिटी से कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करता है। फंट्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी ईजली चेंज, फंट और कैरेक्टर्स को हम लोग आसानी से बदल सकते हैं यानी कि चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके डिसएडवांटेज को। स्लोअर दैन DMP, यानी कि यह धीरे चलता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। और दूसरा है नॉइज, यानी कि यह शोर बहुत ज़्यादा करता है। मोर एक्सपेंसिव दैन DMP, और यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से क्या होता है, एक्सपेंसिव मतलब महंगा होता है, यानी कि यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज़्यादा प्राइस पे इसे हम लोग को ख़रीदना पड़ता है। अब आप लोग जो डेजिबल है या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसके मैं एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। ये रहा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ये है डॉट मैट्रिक्स से प्रिंटेड टेक्स्ट जो आप देख पा रहे हो। इसी तरीके का ये जो प्रिंटर है वो प्रिंट करता है किसी भी कैरेक्टर को
डॉक्यूमेंट पे। आप लोग देखे भी होंगे कई वाउचर जो इस तरीके के हो। और दूसरा है हम लोगों का जिसका नाम था डाइजिबल प्रिंटर। आइए डाइजिबल प्रिंटर को देखते हैं। ये रहा डाइजिबल प्रिंटर। आप देख सकते हो कि ये पंखुड़ियाँ हैं जो डाइजी फ्लावर की तरह ही हैं, और इस पे एक एक कैरेक्टर को क्या किया गया है कि छाप दिया गया है, मतलब उभरे हुए कैरेक्टर्स पे दिख रहे हैं आपको। और यही कैरेक्टर क्या करते हैं कि डॉक जब इससे प्रिंट किया जाता है तो ये कैरेक्टरों को पेज पे छाप देते हैं, यानी कि प्रिंट कर देते हैं। तो आप दोनों इसके एग्जाम्पल्स देख पाए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डेजीवेल प्रिंटर के बारे में तो आप कमेंट में दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि और भी बच्चे इसे अच्छे ढंग से पढ़ पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।